एक और बात है जिस पर ध्यान जाने की आवश्यकता है, ये सदन क्यों नहीं चलने दिया जाता है? इसलिए नहीं कि सरकार के प्रति रोष है, एक इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण नहीं चलने दिया जाता, क्योंकि विपक्ष में भी ऐसे होनहार सांसद है, ऐसे तेजस्वी सांसद है, और मैं मानता हूं उनको सुनना, उनके विचार अपने आप में एक बहुत बड़ी एसेट है, लेकिन अगर सदन चलेगा तो उनको बोलने का अवसर मिलेगा, अगर वो बोलेंगे तो बहुत उनकी जय जयकार होगी, तब हमारा क्या होगा ये चिंता सता रही है। ये इंफेरिटी है कि विपक्ष के सामर्थ्यवान सांसद न बोल पाए, विपक्ष के सामर्थ्यवान सांसदों की प्रतिभा का परिचय देश को न हो, इसलिए ये सरकार को रोकने वाली बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन विपक्ष में कोई ताकतवर बनना नहीं चाहिए, कोई होनहार दिखना नहीं चाहिए, इस इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स का परिणाम है। इसलिए बहुत, अब जैसे इस बार संसद चला तो मैंने देखा कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, पिछले दो सदन में उनका कोई लाभ ही नहीं मिला, और इसलिए ये मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है, और मैं देख रहा हूं बहुत स्टडी करके आते हैं, हमारे विपक्ष के भी छोटे छोटे दल के सदस्य हैं, चार मेंबर होंगे, तीन मेंबर होंगे, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।